कैलाश जनपद एटा के जिलाधिकारी का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया है। इनका आरोप है कि डीएम ने उनके समाज से जुड़े लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े दर्जनों सदस्यों ने मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क चौराहे पर इकट्ठा होकर डीएम एटा के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध स्वरूप एक पुतला भी आग के हवाले किया। समाज के अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़ का कहना है कि डीएम एटा ने उनके समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसका उनका समाज विरोध करता है और उन्हें आग्रह करते हैं कि वो अपनी गलती का एहसास करते हुए समाज से माफी मांगे। डीएम जी है, जिला अधिकारी महोदय, उन्होंने कहा है सफाई कर्मचारियों के लिए कि सफाई कर्मचारियों को शराब पिला दो, गंदे से गंदा काम दे लो। तो मेरा मानना ये है कि डीएम साहब को सफाई कर्मचारियों के बच्चे पालते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, सफाई कर्मचारी शराब ही लेते हैं और इतना, और ऐसे टाइम पे उन्होंने ये यावत भी वो करिए कि जिस टाइम हम कोरोना वायरस से लड़ना है, महामारी से लड़ना है, आगे जाते हैं सबसे पहले सफाई देते हैं, अंदर हर गलियों में जाके हम देखो जहाँ पॉजिटिव मरीज मिलते हैं वहाँ काम करते हैं और हमारे लिए वो ऐसी वो रखते हैं भावना। तो हम भी उनके लिए ये कहते हैं कि हम योगी जी से हमारा कहना ये है कि उन्हें गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए और जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये काले फीते बंधे रहेंगे और हम जब तक विरोध करते रहेंगे। आज ये कम है काले फीते और शहर के सभी सफाई कर्मचारी काले फीते बांधकर विरोध करते रहेंगे।